हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है एक कॉम्पैक्ट, और ये है मेबलिन का कॉम्पैक्ट। काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में बात करेंगे क्या इसके पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी आउटर पैकेजिंग की। तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की, यू नो, वाइट बिल्कुल राउंड पैकेजिंग है। मेबलिन न्यूयॉर्क यहाँ मेंशनड है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पीछे मेबलिन न्यूयॉर्क वाइट सुपर फ्रेश 12 आर वाइटनिंग फ्रेशनेस कॉम्पैक्ट विद प्योर पर्ल लाइट मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि ये 4 शेड्स इसमें आई हुई हैं और सुटेबल फॉर डेली यूज़ भी है, ये यहाँ मेंशनड है। और गाइस, उसके बाद यहाँ पैकिंग और ये इसकी क्वांटिटी बताई गई है। तो उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी इनर पैकेजिंग की। तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की, लॉक टाइप पैकेजिंग है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर ग्लास आया था जो मुझसे ब्रेक हो गया है, और मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता भी होगा, मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आता है, मेरा सेकंड या थर्ड पैक है ये, और ये भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला ही है लगभग। तो इसके साथ ही इस तरीके का पफ मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये इस तरीके से यू नो लॉक हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी क्वांटिटी की बात करती हूँ। इसकी क्वांटिटी ये 8 ग्राम्स देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है आपको। 3 ईयर्स की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है, यानी आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। गाइस, मेरे शेड है शेल, और ये वीटिश टू मीडियम स्किन टोन के लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर आप फेयर स्किन टोन है तो आपके लिए भी काफ़ी सूटेबल रहेगा। रेस्ट इसमें 4 शेड्स आती हैं, आई थिंक मार्बल सैंड ऐसे करके 3-4 शेड्स हैं। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसमें से शेड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी इसकी प्राइस की। इसका प्राइस है 160 रुपीज़, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने इसको नायका से लिया था और आई थिंक ये 120 रुपीज़ का मुझे पड़ गया था। काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। आप देखिए कितना थिक इसकी कंसिस्टेंसी है, जितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी ब्लेंडेबिलिटी भी देता है। आप ये देखिए इस तरीके की, और बिल्कुल भी ये चौकी नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। आप डेली में जब भी मेकअप करते हैं, जैसे आप कोई भी मेकअप आपने स्टार्ट किया, जैसे बीबी क्रीम आपने लगाई या कोई भी क्रीम आपने लगाई, तो आप उसके ऊपर इसको एज अ बेस दे सकते हैं। यू नो, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है, इतना आपको क्वांटिटी लेनी है। और जहाँ भी आपने यू नो फाउंडेशन, अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, जहाँ भी आपने फाउंडेशन या कुछ बीबी क्रीम लगाई है तो आप उसको इससे सेट कर सकते हैं, और उससे आपको एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा, थोड़ा सा वाइटनिंग भी हो जाएगी, यानी आपकी स्किन जो है 1 से 2 टोन फेयर भी हो जाएगी, और प्लस जो आपका बेस है वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगा, उसमें क्रीज नहीं पड़ेंगी, जैसे लाइन्स हो जाती हैं वो सब नहीं होगा, और बिल्कुल भी ये चौकी नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल चंकी या ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल मैट है, और काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया, देखिए इस तरीके की इसकी थिक कंसिस्टेंसी है, पाउडरी है नो डाउट, बट ये बिल्कुल भी चौकी नहीं है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी यू नो पैच पैच की फॉर्म में, जैसे यूजुअली कॉम्पैक्ट लग जाते हैं, वैसा नहीं है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइज, अगर मैं स्टेइंग पावर की बात करूँ तो इसकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है, 8 to 9 hours इसकी स्टेइंग पावर है। यस गाइज, तो गाइज जिस हिसाब से इस प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से इसकी स्टेइंग पावर बहुत बहुत अच्छी है। तो गाइज हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की। सबसे पहले मैं पॉजिटिव का बात करूंगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो ये मेबलिन का प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और नेक्स्ट पॉजिटिव इसका प्राइस है, इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ 160, जैसे मैंने बताया इसका प्राइस मैंशन होता है, बट 120 या 100 जो भी आपका डिस्काउंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करूँ, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हैं कितनी थिक कंसिस्टेंसी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप इसको यू नो एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ भी स्किन पर नहीं लगा के सिर्फ इसको भी लगाएंगे तो भी आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल जाएगा। यूजुअली जैसे आप कॉलेज गोइंग हैं या स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट यूजुअली फाउंडेशन या बीबी क्रीम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको फेस पे अपने यूज़ करेंगे तो आपको 1 से 2 स्किन टोन आपकी फेयर हो जाएगी।
तो आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट फेस को वॉश करना है किसी भी मॉइस्चराइजर से। आपको मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को। अगर मॉइस्चराइजर से पहले टोनर अप्लाई करेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो बेसिकली फेस वॉश, देन टोनर, देन मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आप इसको एक लेयर लगा लेंगे तो आपके स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। और इसकी स्टेइंग पावर तो जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी है ही। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव है कि इसकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है। प्लस इसके साथ मिरर मिल जाता है, जो कि मेरा यहाँ टूट गया था क्योंकि एक बार मुझसे गिर गया था तो वो टूट गया मेरा मिरर। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो यूजुअल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके मिरर को। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत ही हैंडी पैकेजिंग है। आप देखिए बिल्कुल भी इसकी बॉटल जो है वो बिल्कुल थिक या वैसी नहीं है, बिल्कुल हैंडी पैकेजिंग है, इतनी सी जगह लेती है बिल्कुल, और काफ़ी कंफर्टेबल है। और तीन चार जो शेड्स हैं उनमें भी बहुत वेरिएशंस हैं, बिल्कुल नियर बाय शेड्स नहीं है, लाइट डार्क उससे डार्क इस तरीके की शेड्स हैं। काफ़ी अच्छी शेड रेंज भी इन्होंने दी है। वैसे तो इनकी चार या पांच ही शेड्स हैं, बट सारी जो शेड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो गाइज अब मैं बात कर लेती हूँ इसके नेगेटिव की। मुझे इसका सिर्फ एक ही नेगेटिव लगता है कि इसकी जो पैकेजिंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। दो तीन बार मुझसे गिर चुका, एक बार जब गिरा था तो इसका मिरर टूट गया था, दूसरी बार गिरा था तो ये इस तरीके से अलग हो जाता है, इस तरीके से ये अलग हो गया था मेरा भी। मैंने इसको मतलब ऐसे ज्वाइन कर रखा है, बट ये इसकी थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है। अदरवाइज मतलब बेसिकली इसका पैकेजिंग डिफेक्ट है कि ये थोड़ा सा ये जो पैकेट है इसका ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता तो और अच्छी बात थी। अदरवाइज इसका मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगता। बहुत अच्छी स्टेइंग पावर, बहुत अच्छा प्राइस, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी और बहुत ही अच्छी इसकी क्वांटिटी भी ये लोग दे देते हैं। तो गाइज ओवरऑल आप इसको ले सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग दिस मेबलिन कॉम्पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि गाइज ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट के लिए मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई थिंक मैं 3 या 4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अमेजिंग है। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है गाइज़। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और यस गाइज़, अभी जो मैंने मेकअप लुक किया हुआ है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा चुका है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये ब्लू ग्लैम मेकअप है, बेसिकली पार्टी मेकअप है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।